परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी इतना बोल करके बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जयकार दे करके चुपचाप हो गए। तो परीक्षित महाराज बोले क्या हो गया? बोले हो गया ना, पूरी तो मैंने कृष्ण कथा ही सुना दी। बोले मैं 4 दिन से केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। कृष्ण मेरे कुल देवता है, मातृ गर्भ में भगवान हमें मेरे प्राण दान दी। अगस्त ऋषि ने जैसे एक चूल भर में संपूर्ण समुद्र का पानी पी लिया, आपको एक श्लोक में पूरा पूरी भागवत सुना दिए। मेरा मन भरा नहीं, मैं चाहता हूँ कृष्ण कथा को विस्तृत रूप में मैं कथा सुनू। सुखदेव गोस्वामी बोले परीक्षित 4 दिन हो गया, एक बूंद पानी तक भी नहीं पिए वो, थोड़ा पानी तो पी लो। बोले गुरु जी पानी के लिए तो जितना झगड़ा हुई, इसलिए पानी मांगने के लिए ऋषि को पास में गया, ऋषि ने पानी नहीं दिया तो मैंने उन्होंने मरे हुए गले में सर्प को डाल दिया और ऋषि पुत्र ने अभिशाप दे दिया, तभी तो गड़बड़ी हुई पानी के लिए। आप पानी की बात मत करो, आपकी मुखार बिंद से कृष्ण कथा रूपी गंगा की जो नदी बह रही है उसमें स्नान करते करते उसको बैठा वहीं पर तुम ले जा, बैठने दो बैठने दो। इसलिए आपकी कथा अमृत सुन सुन करके मैं तृप्त हो रहा हूँ। गुरुदेव पानी की बात मत करो, अब कथा बंद करते ही पानी की प्यासा लगने लग जाएगी। तब तो श्री सुखदेव गोस्वामी बड़ी खुश हो गए। बोले भैया श्रोता ऐसे होनी चाहिए, श्रोता ऐसे होनी चाहिए। फिर उन्होंने 3 दिन तक कृष्ण कथा उन्होंने सुनाए। बोले कैसे? ये कंस बड़े अत्याचार कर रहा था। बोले मेरे देश में कोई कृष्ण कीर्तन नहीं कर सकता है, यज्ञ नहीं कर सकते हैं। अगर जो भगवान का नाम और कीर्तन करेगा जेल में बंद कर दूंगा। सारे संतों को जेल में बंद कर दिया। अभी संत लोग जेल में बैठ करके बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 से हमें मुक्ति दिलाओ। अभी इसकी अत्याचार से पृथ्वी भी दुखी हो गई। पृथ्वी ब्रह्मा जी को पास में, फिर शंकर जी को पास में, फिर इंद्रों को सब के सब लेकर के खीर समुद्र के तट पर पहुंचे और पुरुष सूक्त मंत्र से भगवान की आवाज की। आकाशवाणी हुई, हे देवताओं तुम्हारी दुख को मैं समझ गया हूँ, मैं जल्दी जल्दी आ रहा हूँ। हे देवताओं तुम लोग सबके सब जाके जदुवंश में जन्म ग्रहण करो। हे देवियां गोकुल में गोपी बन कर के आओ, मैं जल्दी आ रहा हूँ। अभी कंस ने देवकी की शादी की, बहुत कुछ दहेज रूप में दिया और अपना बहन के जो विदाई कर रहा था आकाशवाणी हुई। बोले रे मुड़ा कंस, जिस देवत को तू इतने आनंद पूर्वक विदाई दे रहे हो, सारथी बन करके विदाई दे रहे हो, उसकी अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बनेगा। कंस ने देखा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, निकला तलवार छोटी पकड़ लिया देवकी की, मारने जा रहा था। वसुदेव का एक नाम आनंद धुंधुवी, मतलब है जब उन्होंने जन्म लिया देवता लोग स्वर्ग में धुंध भी बजाई। क्यों? ये भगवान की पिता ये बनेगा, इसलिए इन्होंने समझाने लग गए। बोले कंस शादी का समय, तुम्हारी बहन ही है, प्यारी बहन, अगर इसको मारोगे ना सारा दुनिया तुम्हारी बदनामी करेगा, अपना बहन का हत्यारा है, ऐसे रहना नहीं रहना बराबर है। बोले आकाशवाणी नहीं सुनी? बोले मैंने भी सुनी है। आप ये बताओ इतने मरोगे कि नहीं? बोले मरूंगा। बोले जब मरेगा कौन मरता है? ये आत्मा थोड़ी मरती है, ये शरीर मरता है, ये शरीर तो कपड़ा है। जैसे हमने एक कपड़े फट जाने पर नए कपड़े पहनते हैं, ये शरीर एक से दूसरे शरीर में चली जाती है। ये तो अग्नि में जलती नहीं, अस्त्र से कटेगा नहीं,
वायु से भीगने वाला नहीं, ये आत्मा अजर अमर नित्य शाश्वत है। इसलिए ये आत्मा तो एक शरीर से दूसरे शरीर चली जाएगा। बोले मरूंगा पहले क्यों मरूंगा, कभी मारना छोड़ नहीं रहा था। बोले देख तेरे को पता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बोले ये तो पता है। बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूँ जो आठ के जितने बच्चे हो गए ना सब तेरे को हवा कर दूंगा। तो बच्चे को मार डालना लेकिन देवकी को मत मारो, ठाकुर की इच्छा है। छोड़ दिए। नारद जी ने देखा बड़ा गड़बड़ हो गया, भगवान कब आएंगे, जब पाप की खड़ा भरेगा अत्याचार हो तभी तो आएंगे ना ठाकुर जी। अगर इसके हृदय में भगवान की माँ के प्रति अगर प्रेम हो जाए ठाकुर कैसे मार सकते हैं। है नारद तो बिना बजाते बजाते वहां पर पहुंच गए और एक पुष्प बगीचा में बुलाए। बोले कंस अभी अभी मैंने स्वर्ग लोगों से आ रहा हूँ, ब्रह्मा सारे देवता को लेकर मीटिंग कर रहे थे, जानते हो क्या बोल रहे थे, तेरे को मारेंगे कैसे, सावधान, ये जितने जदुवंशी सब के सब देवता हैं, ये जितने गोपियां सब देवी, ये सब प्लानिंग करके तेरे को मारने के लिए आए। एक फूल ले आए थे जिसमें आठ पंखुड़ियां थी। बोले बोलो इसमें पहला नंबर कौन, गिनो। बोले एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। बोले उल्टा गिनो। बोले एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। समझ गया। बोले गुरु के वगैरह थोड़ी ज्ञान होता है, बताओ ना। बोले देख ये देवताओं का वाणी समझना बड़ा कठिन, तू तो इधर से एक दो कर रहे हो और उल्टा से अगर एक दो करेंगे ना जिसको एक कर रहे हो जाएगा आठ, जो आठ कर रहे हो जाएगा एक। ये बच्चे बड़े होएंगे कि नहीं, बच्चे बड़े होएंगे, ये सब के सब तेरे को मिल करके मारेंगे। बोले गुरु जी सबको मार दू। बोले भैया मैं क्यों बताऊं, तू जानता तेरा बाप जानता है। भड़का दिया गया। नारद जी बिना बजाए वहां से भाग गए। कल से बोले देवकी बचा तुम्हारी कहां है, ले आओ बच्चे को। जोर जबरदस्त छीन करके उन्होंने दीवार में उन्होंने पछाड़ करके मार कर खत्म कर दिया। ऐसे ही उसने छह छह बच्चों को मार दिया। यहाँ प्रश्न है भैया नारद जी इतने बड़े संत बच्चों को मरवाए, उन्होंने मरवाया नहीं, मुक्ति दिलाया। बोले कैसे, ये पूर्व जन्म में ब्रह्मा की ये मरीचि थे, ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। एक दिन ब्रह्मा जी एक सुंदरी लड़की को सृष्टि की, इतने सुंदरी वो लड़की थी ब्रह्मा सृष्टि की और वो अपना बेटी को ऊपर आसक्त हो गए और अपना बेटी को पीछे उन्होंने भागी। इतने में बेटी बन गई हिरणी, वो हिरण बन कर तभी भागी। ये लोग बोले देखो अपने बूढ़े को देखो, अपना बेटी को पीछे भाग रही है कैसे है। उन्होंने खिली उड़ाया, हंसी उड़ाया। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, बोले मेरे को देख हंसी उड़ा रहे हो, जाओ तुमको अभिशाप देता हूँ, तीन जन्म तक अपना पिताजी के हाथ में मर करके मुक्ति मिलेगी। ये कंस पहले जन्म में काल में भी था, इनकी छह बच्चे बन करके पहले मर चुके हैं, इसी जीवन में मरेंगे तो जल्दी उनको उधार हो जाएगा। नारद जी मरवाया नहीं, उनको मुक्ति करा दिया। ये एक कारण। दूसरा कारण क्या है, भगवान अष्टम गर्भ में आए लेकिन उसको पहले छह आए। बोले छह मतलब क्या, षड गर्भ मतलब अगर कोई भगवान को अपना हृदय में बैठना चाहते हैं बोले छह बच्चों को मारो। बोले छह कौन है, बोले काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, ये सबसे बड़े हमारे शत्रु अंदर में बैठे हुए। पहले ये छह बच्चों को पहले मारो, उसको बाद में बलदेव प्रभु। बोले ये कौन, बोले धाम, भगवान को जो हृदय में धारण करने वाले, जो भगवान की सेवा करने वाले, पंच रस दस शरीर से जो भगवान की धारण करेंगे, बलदेव प्रभु सप्तम गर्भ में और अष्टम गर्भ में भगवान श्री कृष्ण कन्हे आएंगे। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले ये एक कारण। बोले दूसरा कारण है क्या, इसको ध्यान से समझ, भगवान अष्टम गर्भ में क्यों आए, सात में नहीं छह में नहीं पांच में क्यों नहीं, अष्टम गर्भ में क्यों आए, इसकी रहस्य को समझो। कहते भक्ति के आठ सोपान सीढ़ियां हैं। भक्ति का जो पहला सीढ़ी है श्रद्धा, जैसे आप लोगों के अंदर में भक्ति है श्रद्धा है तभी तो घर छोड़कर यहाँ पर बैठे हो ना, श्रद्धा नहीं होता तो यहाँ बैठते नहीं। बोले दूसरा किया आए कथा सुनने के लिए, फिर दूसरा है साधु संघ, अभी भगवान की कथा सुन रहे हैं। बोले तीसरा किया जब साधु का संघ में क्या ज्ञान होता है, मैं कौन हूँ कहाँ से आया जाना कहाँ, जिसको अपना कहते होते तो फिर जाते क्यों, फिर पता क्या चलता है साधु संघ में। इसलिए कहते हैं ना बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सो।
जब तक प्रभु की कृपा नहीं हो सत्संग नहीं मिलता, आज सत्संग के बगैर जीव को ज्ञान ही नहीं होता है। इसलिए साधु संग निज तत्व अवगत है, सत्संग में ही हम समझ पाते हैं हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर की औलाद है। कष्ट क्यों पा रहे हैं संसार में, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई घर से दुखी, परिवार दुखी दुखी, भगवान को भूलने का वजह से, भगवान की जो बहिरंगा माया में हम आए और ये माया हमें डंडा मार रही है, हैं? कहते भैया संसार में शांति सुख नहीं है, शांति सुख हो तो ठाकुर की चरण में। जब ये सत्संग में ये ज्ञान होता है तब फिर क्या करता है, तीसरा में भजन किया, फिर ठाकुर को भजन करना शुरू करता है। जब भगवान के भजन करता है फिर जो चौथा स्टेज है, धीरे 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 हमारे हृदय में जो अनर्थ अपराध काम क्रोध धीरे धीरे खत्म होता है, उसको बाद में फिर रुचि आ जाती है, फिर भगवान की भजन में इतनी अच्छी लगती है। आप लोग मिश्री खाए हो, कौन कौन लोग मिश्री खाए हाथ उठाओ, आप बताओ मिश्री मीठा ना कड़ुआ है, जोर से बोलो मिठाई खाए हो, आप बताओ तो एक प्रश्न का उत्तर दो, मिश्री किसको कड़ुआ लगता है, तो चुप कैसे हो गए, मिश्री तो मीठा है लेकिन मिश्री कड़ुआ भी किसको लगता है ना, किसको कड़ुआ लगती है, ये चीज को समझो। जिसको जंडिस और पीलिया की बीमारी हो जाए ना, वो जो कुछ ना इसको कड़ुआ कड़ुआ लगे, मिश्री भी उसको कड़ुआ लगेगा। लेकिन जब डॉक्टर के पास में जाते थे, डॉक्टर बोलता था देख तेरे को जंडिस है, ये तुमको अभी ये मिश्री मीठा नहीं कड़ुआ लगेगा, लेकिन छोड़ना नहीं, चूसते रहे, चूसते चूसते जब धीरे धीरे बीमारी सही हो जाएगी ना, फिर मिश्री मीठा लगने लग जाएगा। अगर मिश्री जब तुमको मीठा लग जाए, समझना रोग तुम्हारी पता, हाँ ये चीज को समझो। जैसे अभी अगर बोले हरिनाम करो, बोले अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता, क्योंकि हमारी जन्म जन्मांतर का पाप है, ये पाप होने का वजह से भगवान का नाम हमें मीठी नहीं लगती। फिर क्या करना पड़ेगा, बोले मीठी नहीं लगने पर भी करो हरिनाम को करो, करते 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 जब सारे अनर्थ खत्म हो जाएगा फिर भगवान का नाम मीठे ही हमें लगने जाएगी, ठीक है। कहती ये रुचि, फिर उसके बाद निष्ठा, हाँ ध्यान देकर सुने, इधर इधर उधर मत देखो। निष्ठा मतलब होता है फिर भजन में आप इतने पक्की हो जाओगे ना, भले ही तुम्हारी दुनिया विरोध क्यों नहीं हो जाए लेकिन प्रभु का भजन नहीं छोड़ोगे। जैसे मीराबाई, नाम सुने मीराबाई की, जब मीराबाई भजन की कितना ऊपर विपत्ति आई, कितने दुखों कष्ट आए, मीरा भजन छोड़ दिए, दुनिया को छोड़ दिया लेकिन भजन नहीं छोड़ा। देखो दुनिया में किसकी जय जयकार हो रही है, दुनिया में किसकी नाम हो रही है, मीरा की नाम हो रही है। इसलिए जगह भजन करने के लिए जाओगे, थोड़ी मोड़ी कोई विपत्ति आ जाए ना, भजन नहीं छोड़ना, भक्ति कभी नहीं छोड़नी चाहिए। उसको बाद में आसक्ति, फिर भगवान में इतने आसक्ति हो जाएगी ना, फिर भजन छूटेगी नहीं। उसको बाद में फिर आता है भाव आएगा, बोले भावावस्था में क्या है, कभी ठाकुर जी के मुरली की आवाज सुनने को लग जाएगी, कभी कभी लगेगा जैसे कोई अमृत पिला कर गया, कभी लगेगा ठाकुर जी स्पर्श किए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कभी ऐसे लगेगा ठाकुर जी की चरण की नुपुर की झंकार सुनने को मिलेगा। कहती ये भाव, बोले प्रेमावस्था में जैसे फूल खिल जाए ना, जैसे फूल भौरा को पास में नहीं, ये भौरा फूल को पास में आता है। अगर भक्ति जब हृदय में प्रकट होगी, भगवान स्वयं गोलोक वृंदावन छोड़ करके तुम्हारी घर में ठाकुर जी दर्शन के लिए आ जाएंगे। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए अभी देवकी वसुदेव को कारागार में रख दिए और ऐसे छह बच्चों को मार डाले, सप्तम गर्भ में बलदेव और अष्टम गर्भ में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया प्रकट हो गए। जब भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हुए, सारे देवता लोग स्तुति स्तव कर रहे थे, भगवान की जय जयकार हो रहा था। साधारण कोई अगर राजा आए, मंत्री आए, इसके लिए कितने स्वागत है, विश्व ब्रह्मांड का मालिक भी आ रहे हैं, इसलिए सारे देवता भगवान को स्वागत कर रहे हैं। चलो हम भी थोड़ा स्वागत करते हैं, भैया ले आओ। हाँ देखो आज तो कृष्ण कैसे कंस के कारागार में प्रभु प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में, हम आज कथा सुने, कल सुनेंगे ठाकुर जी कैसे गोकुल में जन्म हुए हैं, और कल से राधा रानी जन्म लेगी, और सबके सब कल कौन सा रंग का साड़ी पहन करके आओगे, अरे कौन सा बोलो, गुलाबी, सबके सब ठीक है। अभी भगवान कृष्ण आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करेंगे।
बोले सुस्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कोई बधाई ले आप कहा ला रहे हैं उसको हर वृंदावन बिहारी जय भाई राधे आज बरधीसी रज नारी बनी गुजिया गीत और गुजा शिवाला तेरा शिकार बने बन दे मुझी दस खीर सिरो रूप रसाला इनल मही बने नमकीन गोकुल गोपी सब गरम मसाला जलेबी सिरानी ने आज लगड़ी सिरात में लडुआ सोलाला नंदी जुके अंगना अजी रही आज बधाई नंदी जुके अंगना